विवेक ठाकुर जी को जिताना है, पर लोकसभा के सांसद हम सबको बनाना है। मंच की अध्यक्षता कर रहे शैलेंद्र भाई, मंच पे विराजमान बिहार के विकास पुरुष, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मंच पे विराजमान, हम सबके अभिभावक बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी जी मंच पे उपस्थित, हमारे सांसद संजय झा जी मंच पे उपस्थित, शंभू पटेल जी, जहानाबाद के सांसद चंद्रवंशी जी मंच पे उपस्थित, हम सब के लोकप्रिय एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह लेकर कमल फूल लेकर हम सबके बीच आए विवेक ठाकुर जी, मंचासीन सभी नेतागण उपस्थित, अभिभावक स्वरूप बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के साथीगण, सबसे पहले मैं आप सबों का अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज यहाँ पे जो हम सब इकट्ठे हुए हैं इस लोकतंत्र के महापर्व में, अभी जो दौर चल रहा है उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 2005 से चलकर निरंतर अब तक इस प्रदेश की सेवा की है और भारत वर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास को रफ्तार दी है वो रफ्तार और बढ़े, उस रफ्तार में कमी ना आए, इसके लिए आज हम सब के बीच इस लोकतंत्र के महापर्व में एनडीए के प्रत्याशी और कमल फूल लेकर हमारे विवेक ठाकुर जी हम सबके बीच आए हैं। मैं अपने तमाम यहाँ पे उपस्थित वारसलीगंज और जिले के सभी हिस्से से कुछ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, लेकिन मुख्यतः तो वारसलीगंज से हैं। मैं आप सबों से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि 19 तारीख को जो मतदान है, पहले मतदान फिर जलपान, और ये डबल इंजन की जो सरकार है, जो गति दे रही है, इस रफ्तार दे रही है इस प्रदेश को और इस देश को, वो रफ्तार रुकने ना सके, इसके लिए हम सबको अपने दायित्व और अपने कर्तव्य अपने फर्ज का निर्वहन करना है। हम सबको एक जिम्मेवार इस हिंदुस्तान का नागरिक है और हम सबको अपने यशस्वी मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ये डबल इंजन की सरकार को गति प्रदान करने के लिए आप सब अपने आशीर्वाद के रूप में एक एक मतदान कमल फूल पर जो दो नंबर पर बटन है बटन दबाकर अपने यशस्वी और यहां से प्रत्याशी अरबी भी वर्तमान में सांसद है पर लोकसभा के सांसद हम सबको बनाना है, विवेक ठाकुर जी को जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।